childhood. So this is the third video on this particular poem. We already talked about the short summary of this poem and some line of the text of this poem, and remaining lines discuss in this class particular. So let's begin. हम कुछ lines इसकी already cover कर चुके हैं हमारे previous video में. अब हम इसकी जो remaining line है उन पर discuss करेंगे remaining lines पे. But उससे पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूँ कि जो अभी तक हमने पढ़ा है उन lines में हमने क्या पढ़ा. Happy those early days when I shine in my angel infancy before I understood this place appointed for my second race. इस poem में जो poet हैं Henry Vaughan, जो speaker हैं वो अपने जो टाइम आ गया जो एडल्ट लाइफ में ये है, तो एडल्ट लाइफ में ये एक तरह से पीछे की अपनी मेमोरीज को याद कर रहे हैं, इन द सेंस अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को याद कर रहे हैं, और वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उस टाइम जो टाइम था उस टाइम वो कितना प्योर टाइम था. मीन्स मेरी जो सोल थी वो कितनी प्योर थी, मैं कितना प्योर था, मेरे से कोई मिस्टेक नहीं होती थी. देखो हम सबको पता है, एज वी ऑल नो दैट बेबीज आर वेरी प्योर. जो बेबीज होते हैं छोटे छोटे वो बहुत प्योर होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो हमारे में सोल होती है वो हेवन से आती है. ठीक है, तो जो बच्चे हैं उनको हम बहुत प्योर मानते हैं, वो बहुत गॉड के करीब होते हैं. तो यहाँ ये बात हो रही है, हैप्पी दोज अर्ली डेज, जब मैं अपने अर्ली डेज में था, इन द सेंस मैं अपने चाइल्डहुड में था. वेन आई शाइन इन माई एंजल इन्फेंसी, जब मैं शाइन कर रहा था अपनी एंजल इन्फेंसी में, कहने का मतलब अपने बचपन में. बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस इन द सेंस अर्थ, जब मैं इस अर्थ को, इस अर्थ के कामों को अच्छे से समझता, उससे पहले अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस, मुझे गॉड ने सेकेंड रेस के लिए अपॉइंट कर दिया, इन द सेंस मुझे एडल्ट बना दिया, मुझे बड़ा बना दिया. ठीक है, फिर बात है, और टॉट माई सोल टू फैंसी ऑट बट अ वाइड सेलेस्टियल थॉट, और मैं सिखाता अपनी सोल को फैंसी ऑट, इन द सेंस कुछ भी रिलेटेड टू दिस फिजिकल वर्ल्ड, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस फिजिकल वर्ल्ड मैं जो सिखाता, बट अ वाइड सेलेस्टियल थॉट, पर जब मैं अपने बचपन में था तब मेरे साथ कनेक्ट हुए थे वाइड सेलेस्टियल थॉट, इन द सेंस बहुत प्योर थॉट्स. ठीक है, फिर क्या है, वेन येट आई हैड नॉट वॉक अबाउट अ माइल और टू फ्रॉम माई फर्स्ट लव, अभी तो मैं अपने फर्स्ट लव से कुछ ही दूर पर आया था. फर्स्ट लव इन द सेंस हियर इज गॉड, जो हम बच्चे होते हैं तो हमारा फर्स्ट लव कौन होता है, गॉड होते हैं, क्योंकि उस टाइम हम बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं, हम एकदम सिन फ्री होते हैं, हमारी सोल सिन फ्री होती है, तो हम गॉड के कनेक्शन में होते हैं. तो यहाँ फर्स्ट लव गॉड ही है. When yet I had not walked about a mile or two from my first love, मैं अपने first love से कुछ ही दूर पर आया था, and looking back at that short space would see a glimpse of his bright face. और उस time मैं अगर looking back देखूँ तो मुझे his bright face, his यहाँ पे H जो है his का वो capital letter में, in the sense यहाँ बात हो रही है his in the sense God, है ना, represent कर रहा है his God को. तो वो कह रहा है कि मैं जब अपने पीछे के अगर मैं बैकग्राउंड देखूं तो मुझे समझ में आता है कि मैं जब अपने चाइल्डहुड में था तो मेरी जो सोल है वो बहुत प्योर थी, और मैं ब्राइट फेस देख सकता था, किसका, गॉड का. एंड लुकिंग बैक एट दैट शॉर्ट स्पेस, कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट स्पेस इन द सेंस कुछ टाइम के लिए, कुड सी अ ग्लिम्स, ग्लिम्स यानी झलक ऑफ हिज ब्राइट फेस, किसकी, गॉड की ब्राइट फेस की झलक देख सकता था. फिर बात क्या कर रहा है पोएट, वेन ऑन सम ग्लाइडेड क्लाउड और फ्लावर माई गेजिंग सोल वुड वेल एन आर, और मैं ग्लाइडेड जो ये क्लाउड्स हैं या फ्लावर्स हैं इनको देखता हूँ तो ड्वेल एन आर, गेजिंग माई सोल ड्वेल एन आर, मतलब खूब देर तक देखता रहता हूँ. कहने का मतलब कि जो पोएट है वो नेचर ब्यूटी में लॉस्ट हो जाते हैं. वो बोल रहे हैं, एंड कुड सी अ ग्लिम्स ऑफ हिज ब्राइट फेस वेन ऑन सम ग्लाइडेड वुड और फ्लावर माई गेजिंग सोल वुड ड्वेल एन आर, मेरी गेजिंग सोल जो है वुड ड्वेल एन आर, मतलब कई बहुत टाइम तक गेज करती रहती है. ठीक है, देखती रहती, निहारती रहती किसको, इस नेचर ब्यूटी को. फिर क्या बात आ रही है, एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज फेस सम शेडो ऑफ एटर्निटी, और उस टाइम उस वीकर टाइम में, वीकर ग्लोरीज पे में, उस शॉर्ट टाइम में, उस अच्छे ब्यूटीफुल टाइम में, सम शेडो ऑफ इटर्निटी, और मैं जब बैठूँ, मतलब यहाँ पोएट जो इन लाइन्स में ये बोलना चाह रहा है, इन 3-4 लाइन्स में, कि जब मैं अपने बचपन में था तो मैं बहुत प्योर था, तो मैं उस टाइम गॉड को भी अच्छे से देख सकता था, और ये जो नेचर ब्यूटी है उसको भी अच्छे से देख सकता था. अब क्या हो रहा है, मैं इम्प्योर हो गया हूँ, तो अब मैं उस चीज़ को ये मानता हूँ कि मेरे लिए वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मेरे पास थी,
एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज पे सम शेड ऑफ इटर्निटी. वो टाइम जो था वो शेड ऑफ इटर्निटी का टाइम था. ठीक है, उस टाइम मैं गॉड के ज़्यादा करीब था. वो मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्योर है और मेरे आसपास का मुझे पूरा सराउंडिंग एरिया बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रहा था. माय गेजिंग सोल वुड ड्वेल इन आर एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज पे सम शेड ऑफ इटर्निटी बिफोर आई टॉट माय टंग टू वाउंड माय कंसाइंस विद अ सिनफुल साउंड. मैं अपनी जो अब जैसे हम बचपन में होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ मॉरली राइट और रॉन्ग. हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं. ठीक है, तो ये कह रहा है बिफोर आई टॉट माई टंग टू वाउंड माई कंसाइंस विद अ सिनफुल साउंड और हैड दैट ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस अ सेवरल सिन टू एवरी सेंस. कि मैं अपने टंग को सिखा था अच्छे से कि व्हाट इज मॉरली राइट और रॉन्ग. उससे पहले ही क्या हुआ, मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, मतलब मैं अपनी एडल्ट लाइफ में आ गया और यहाँ आने के बाद तो मैं हर सेंस में सिन कर रहा हूँ. कहने का मतलब मेरे मैं बहुत ज़्यादा पाप से भर गया हूँ. मेरे हर काम जैसे सिन से ही भरे हुए हैं, जैसे पाप से ही भरे हुए हैं. ब्लैक आर्ट हो रहा है जैसे मेरे में. मतलब यहाँ बोलना चाह रहे हैं पॉइंट कि मैं अब अपनी एडल्ट लाइफ में हूँ और एडल्ट लाइफ में आने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि मैं अपने जो भी काम कर रहा हूँ वो सिन से भरे हुए हैं, पाप से भरे हुए हैं, पाप से भरे हुए काम कर रहा हूँ, ब्लैक आर्ट वर्क कर रहा हूँ. ठीक है, देखो एंड इन दोज वीकर ग्लोरीज पे सम शेड ऑफ इटर्निटी बिफोर आई टॉट माई टंग टू वाउंड माई कंसाइंस विद अ सिनफुल साउंड. मैं सिखाता अपने टंग को वाउंड, मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं बोलना. माई कंसाइंस, मेरा जो विवेक है, विद अ सिनफुल साउंड, वो पूरी तरह से खुद से ही सिनफुल हो गया था. और हैड दैट ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस अ सेवरल सिन टू एवरी सेंस. और मेरे में तो बहुत ज़्यादा सेवरल इन द सेंस बहुत ज़्यादा सिन आ गए थे, पाप आ गए थे. तो मैं क्या सिखाता अपनी टंग को कि कहाँ तुझे मॉरली सही बोलना है, कहाँ तुझे गलत बोलना है. ठीक है, अब है बट फेल्ट थ्रू ऑल दिस फ्लैशली ड्रेस ब्राइट शूट ऑफ एवर लास्टिंगनेस. बट ये सब मैंने फील किया इस फ्लैशली ड्रेस से. फ्लैशली ड्रेस इन द सेंस फ्लैश इन द मास, फ्लैश का मतलब होता है मास और ड्रेस जो हमारी बॉडी. तो यहाँ फ्लैशली ड्रेस पूरी का मतलब है बॉडी. तो ये कह रहा है बट फेल्ट थ्रू ऑल दिस फ्लैशली ड्रेस, मैंने ये सब फील किया इस फ्लैशली ड्रेस इन द सेंस बॉडी से, ब्राइट शूट्स ऑफ एवरलास्टिंगनेस. और ये मेरे साथ एवरलास्टिंगनेस तक चला, मतलब क्या जो ये सिन है ये साथ तक चला मेरे. फिर ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक. अब यहाँ पोएट जो है, इतनी देर तो पोएट बैकवर्ड जाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को जो है, अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है उनको ध्यान में रख रहे हैं, उनसे रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जब मैं अपने बचपन में था मैं बहुत प्योर था, मेरी जो सोल थी वो बहुत प्योर थी. अब वो कह रहे हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल होगा. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. हम अगर बढ़ते जाएंगे, हमने जन्म ले लिया, मतलब हम कभी पीछे की ओर नहीं जाएंगे, हम आगे ही जाएंगे. ये कह रहे हैं ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रेवल बैक, मैं इतना लॉन्ग ट्रेवल कैसे करूँगा बैक में. एंड ट्रेड अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक, और उस एंशिएंट ट्रैक पे वापस कैसे चलूँगा, मतलब उस पुराने टाइम पे वापस कैसे चलूँगा, मैं वापस पीछे कैसे जाऊँगा. दैट माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन. दैट आई माइट वंस मोर रीच द प्लेन, प्लेन लॉन्ग ट्रेवल कैसे करूँगा बैक में. एंड ट्रेड अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक, और उस एंशिएंट ट्रैक पे वापस कैसे चलूँगा, मतलब उस पुराने टाइम पे वापस कैसे चलूँगा, मैं वापस पीछे कैसे जाऊँगा. दैट माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन. दैट आई माइट वंस मोर रीच द प्लेन, प्लेन इन द सेंस वो जो बचपन का टाइम है, वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन, जहाँ मैं अपनी ग्लोरियस ट्रेन को छोड़ गया हूँ. मतलब मैं अपने बचपन में कैसे जाऊँगा, उस टाइम में कैसे जाऊँगा, जो टाइम बहुत प्योर था, जो बहुत अच्छा था, जो एकदम सिन फ्री था, उस टाइम में मैं वापस कैसे जाऊँगा. वेयर फर्स्ट आई फेल्ट माई ग्लोरियस ट्रेन, जहाँ मैं अपनी ग्लोरियस ट्रेन को छोड़ आया हूँ. ठीक है, दैट शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज, और उस मैं उस ट्रेन पे बैठा जब शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज देखता था, मतलब प्योरिटी, शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज इन द सेंस प्योरिटी. यहाँ इस पोएम में बिब्लिकल इल्यूशंस मिलेंगे, बिब्लिकल इल्यूशंस इन द सेंस बाइबल से टच, क्योंकि रिलीजियस पोएम है तो यहाँ बिब्लिकल इल्यूशंस आपको मिलते हैं. दैट आई माइट वंस मोर रीच दैट प्लेन वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन, फ्रॉम वेयर द एनलाइटेंड स्पिरिट सीज, जहाँ से मैं एनलाइटेंड स्पिरिट देखता था. दैट शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज, और इस शेडी सिटी ऑफ पाम ट्रीज को देखता था. But my soul with too much stays drunk and
स्ट्रेगर इन द वे, बट जो मेरी सोल है विथ टू मच स्ट्रे, वो बहुत ज़्यादा उस पर स्टे लग गया है, जैसे इस ड्रंक, ऐसा फील हो रहा है जैसे वो ड्रंक है एंड स्ट्रेगर इन द वे, और रुक गई वो अपने रास्ते में. देखो जहाँ यहाँ जो पोएट है इस पोएम में, वो बैक जाना चाहता है अपनी लाइफ को, बैक से वो अच्छा फील करता है, उसको लगता है कि जो बैक टाइम था उस टाइम में बहुत ज़्यादा प्योर था, अब मैं प्योर हो गया हूँ, अब तो मेरे हर सेंस में, मतलब हर सेंस में सिन भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, पर उस टाइम में एकदम प्योर था, तो मैं वापस बैक जाना चाह रहा हूँ. बट ये सब पॉसिबल नहीं है, हम कोई भी वापस नहीं जा सकते. फिर वो ये कह रहा है, अब तो मुझे ऐसा फील होता है, बट माई सोल विथ टू मच स्टे, जैसे मेरी सोल पर स्टे लग गया वो इस ड्रंक, और वो जैसे ड्रंक हो गया स्टेगर इन द वे, और जैसे रुक गई हो रस्ते में, सब मैन ऑफ फॉरवर्ड मोशन लाओ. अब देखो, अब बता रहा है वो रियलिटी, लाइफ की रियलिटी क्या है, सब मैन ऑफ फॉरवर्ड मोशन लव. अब जो कुछ इंसान ऐसे हैं जो आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, कुछ इंसान क्या, हम सभी ऐसे हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम सब आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं. सब मैन ऑफ फॉरवर्ड मोशन लव बट आई बैकवर्ड स्टेप्स वुड मूव, पर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बैकवर्ड स्टेप लेना चाहता हूँ, वुड मूव बैकवर्ड की ओर मूव करना चाहता हूँ, मतलब मैं अपने चाइल्डहुड में वापस जाना चाहता हूँ. एंड व्हेन दिस डस्ट फॉल्स टू द अर्थ, यहाँ इस पूरी लाइन का मतलब है कि जब मैं मर जाऊँगा, एंड व्हेन दिस डस्ट, डस्ट यहाँ बोला है एक डेड बॉडी होती है उसको, हम सब ऐसा जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये तो मिट्टी बन गया, अभी इसे तो मिट्टी में जाना है, कहने का मतलब इसे मरना है, इसको मिट्टी में जाना है. एंड व्हेन दिस डस्ट फॉल्स टू द अर्न, ठीक है, जब अर्न में बदल जाएगी, एशेज में, जो हमारी फ्यूनरल में एशेज होती है उस पर बदल जाएगी, जब हमारी बॉडी मिट्टी बन जाएगी, इन दैट स्टेट आई केम रिटर्न, उस टाइम मैं फील करूंगा कि जहां मैं जाना चाह रहा था वहां मैं पहुंच गया, इन दैट स्टेट आई केम रिटर्न, तब मैं वापस जाऊंगा. देखो पोयम जहां से शुरू हुई वहां एंड हो गई, किस थिंकिंग में, वो कह रहा है बचपन में, जो हम बचपन में होते हैं तो हम बहुत प्योर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो सोल है हमारी वो हेवन से आती है, और जब ये, जब इंसान मरता है तब वो डस्ट जो है उसकी, उसकी जो डेड बॉडी है वो डस्ट में मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, तब वो अपने आप को फील करता है कि वो वापस उसी जगह पहुंच गया जहां से वो आया था. इन दैट स्टेट आई केम रिटर्न, उस सेंस में मैं रिटर्न हो पाऊंगा, मतलब मेरा पहले इस पोएम में, पहले तो पोएट जाना चाह रहे हैं कि भाई मैं जाना चाह रहा हूँ अपने चाइल्डहुड में, क्योंकि अब जो मेरी बॉडी है वो बिल्कुल सिन फुल हो गई है, और जब बचपन था मेरा तो मैं बहुत ज़्यादा सिन फ्री था, मुझे कोई भी पता नहीं चलता था कि मैं क्या मॉरली सही बोल रहा हूँ, क्या गलत बोल रहा हूँ, मैं ये सब चीज़ें खुद को सिखाता, उससे पहले मैं एडल्ट हो गया, मतलब मैं खुद इतना पाप से भर गया कि मैं कुछ अच्छा सिखा ही नहीं पाया खुद को. फिर यहाँ बोल रहे हैं पोएट की जो बचपन होता है उसमें बहुत प्योरिटी होती है, हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं हम इम्प्योर होते जाते हैं, हमारे हर सेंस में, हर सेंस में हमें सिन भर जाता है, हम हर क्षण में पाप करते हैं, है ना. फिर वो बोल रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग आगे की ओर जाना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं लाइफ में, पर मैं अपनी लाइफ में बैकवर्ड जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देख लिया प्रोग्रेस करने से क्या होता है, उल्टा हम पाप से भर जाते हैं, तो मैं अपनी लाइफ में बैक जाना चाहता हूँ, पर बैक जाऊँगा कैसे, ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब मैं मर जाऊँगा, और जब मैं मर जाऊँगा तो अपने, मेरी जो डेड बॉडी है वो मिट्टी में मिल जाएगी, और मिट्टी में मिल जाएगी तो मैं ऐसा फील करूँगा कि मैं जो है उसी जगह पहुँच गया जहाँ मैं जाना चाह रहा था, रिटर्न, मतलब जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ मैं चला गया. तो आई होप आपको ये जो बहुत ब्यूटीफुल रिलीजियस पोएम है वो समझ आ गई होगी, और इसका जो क्या कहना चाह रहा है इस पोएम में पोएट, वो भी समझ आ गया होगा कि मॉरल ऑफ द पोएम क्या है. मॉरल ऑफ द पोएम यही है कि हम अपनी लाइफ में बहुत इम्प्योर होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ बचपन में ही प्योर होते हैं, उसी टाइम गॉड के कनेक्शन में होते हैं, उसके अलावा तो हम पाप करते रहते हैं, हम इंसान हैं, हमारे से पाप हुए बिना नहीं रहता है, चाहे हम कितने भी अच्छे बन जाएं, कितना भी अच्छा खुद पे कर्टन डाल लें, पर हमसे पाप होते हैं. बट हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी, हम इस चीज़ को ये सोच के बैठ जाएं कि हमसे पाप हुए जा रहे हैं, इस एज में तो हमसे पाप होंगे तो हम वापस पीछे की ओर चले जाएं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ हम याद कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे तो हमारी जो डेड बॉडी वो मिट्टी में मिल जाएगी, और मिट्टी में मिल जाएगी तो हम वहाँ रिटर्न हो जाएंगे जहाँ से हम आए हैं. इस पोएम में लास्ट में पोएट खुद की बात कर रहा है कि ये सब कब होगा, जब मैं मर जाऊँगा और मैं अपनी, मैं मिट्टी में मिल जाऊँगा और मैं उस जगह चला जाऊँगा. तो ये जो पोएम थी, ये थी द रिट्रीट,
ये पोएम हेनरी वॉन की थी। हेनरी वॉन जो है एक वेलिश पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है, और ये पोएम बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो है उनके सिलेबस में है एमडीएस यूनिवर्सिटी के। और इस वीडियो, इस जो पर्टिकुलर पोएम है उस पर ये थर्ड वीडियो है पर्टिकुलर। फर्स्ट वीडियो जो है उस पर मैंने जस्ट समरी बताई थी आपको, शॉर्ट समरी की इस पोएम में क्या है। सेकेंड वीडियो में मैंने इसके कुछ लाइन जो कुछ टेक्स्ट थे उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज के वीडियो में कंप्लीट पोएम को एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आप इस पोएम को टेक्स्ट के साथ देखें तभी आपको समझ आएगी। टेक्स्ट आप मोबाइल में भी निकाल सकते हैं, और टेक्स्ट आप जो है अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी देख सकते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पोएम। बहुत ही अच्छी रिलीजियस पोएम है ये, इसको टेक्स्ट के साथ एंजॉय करें, देखें। थैंक यू।